नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें, सेव वाटर। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मोहरा मुस्तकिम गांव स्थित ग्राम समाज के दो मंदिरों में 15 जून की रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी। सिविल लाइन्स पुलिस ने शनिवार को उक्त चोरियों के आरोपी नईम पुत्र फिदा हुसैन निवासी बिशनपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे में मंदिर से चुराए गए नाग, घंटे, सिक्के सहित बड़ी संख्या में चोरी का सामान बरामद किया है। गौरतलब है कि एक ही दिन में दो मंदिरों में चोरी से मोरा मुस्तकिम गांव के लोगों में काफी आक्रोश था। थाना सिविल लाइन्स पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से अब ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। थाना सिविल लाइन्स अंतर्गत कंपनी बाग में लगी नुमाइश में दो पक्षों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कंपनी बाग में लगी नुमाइश का बताया जा रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि दो पक्ष आपस में लाठी डंडे से लड़ रहे हैं। नया तहसीलदार गौरव बिश्नोई की तहरीर पर सदर तहसील के गाँव रसूलपुर शुरुआती में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने पहुंची टीम पर जसवंत, उसकी पत्नी जगवती और ब्रजेश के साथ उसकी पत्नी मीना के खिलाफ जान से मारने की धमकी, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा थाना मजोला में दर्ज किया गया है। इन चारों ने अवैध कब्जे को हटाए जाने के दौरान नायब तहसीलदार और तहसील कर्मियों के ऊपर फावड़े से वार किए थे। किसी तरह तहसील कर्मियों ने अपने आप को बचाया था। सिविल लाइन्स क्षेत्र की रहने वाली एक नवविवाहिता पीड़िता ने अपने पति थाना मजोला क्षेत्र जयंतीपुरा करूला मियां कॉलोनी निवासी फैसल पर बेहोश कर अप्राकृतिक सेक्स करने और उसके पिता इकबाल, सास फरहा, उलुम इल्मा सहित पांच लोगों के खिलाफ दहेज की मांग करने का मुकदमा थाना सिविल लाइन्स में दर्ज कराया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जाँच कर रही है। जाँच के बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। शुक्रवार को थाना मुगलपुरा क्षेत्र के मंडी चौक इलाके में धामपुर के एक ज्वेलर्स के कर्मचारी के साथ पुलिस वाला बनकर 8 लाख रुपए के जेवर की ठगी करने वाले चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन कर दिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। जिला विकास औद्योगिक सांस्कृतिक प्रदर्शनी में 20 जून को जिगर मंच पर होने वाले नृत्य गायन एवं वादन प्रतियोगिता के लिए आज पंचायत सभागार में ऑडिशन कराया गया। ऑडिशन 17, 18, 19 जून तक होगा। चिन्हित प्रतियोगिता की प्रस्तुति 20 जून को जिगर मंच पर होगी। निर्णायक मंडल में प्रदीप शर्मा, डॉक्टर विनीत गोस्वामी, नितिन व्यास, संदीप सक्सेना, दीपाली त्यागी रहे। आज तहसील बिलारी में समाधान दिवस के मौके पर अनेकों शिकायतों का निस्तारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वसीडियो के द्वारा किया गया तथा शेष शिकायतों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जोनल ऑल टैक्स बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष पद पर सर्वाधिक वोटों के साथ अधिवक्ता अनुज गुप्ता ने जीत हासिल की है। इस शानदार जीत पर अधिवक्ता अनुज को समाज के सभी वर्गों की ओर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। बता दें कि अधिवक्ता अनुज पेरेंट्स ऑफ और स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और अभिभावक और छात्रों के हित के लिए महानगर में उन्होंने तमाम लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। कोरोना काल में महानगर के स्कूलों द्वारा अवैध रूप से वसूली की गई फीस को हाईकोर्ट द्वारा वापस करने का आदेश अधिवक्ता अनुज की हिम्मत और परिश्रम का परिणाम है। मुरादाबाद के सोनकपुर स्टेडियम में खेले जा रहे क्रिकेट प्रतियोगिता में आर्ट आकांक्षा विद्यापीठ स्कूल बनाम रेनबो पब्लिक स्कूल के मध्य खेला गया। टॉस जीतकर आकांक्षा स्कूल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 219 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेनबो की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 161 रन ही बना सकी। इस प्रकार आकांक्षा विद्यापीठ ने यह मैच 85 रनों से जीत लिया। शनिवार को एसएस चिल्ड्रन एकेडमी गांठ रोड मुरादाबाद के सभागार में छात्र अभिभावक सम्मान समारोह के अंतर्गत नीट की परीक्षा में सफल हुए विद्यालय के छात्र सक्षम महेश्वरी पुत्र डॉक्टर विनय महेश्वरी का विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती बबीता अग्रवाल, निदेशक उप प्रधानाचार्य श्रीमती सुप्रिया अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर श्रीमती बबीता अग्रवाल ने कहा कि सक्षम महेश्वरी ने स्कूल के साथ साथ मुरादाबाद का मान भी बढ़ाया है।